खबर जयपुर से 14 नवंबर पंडित नेहरू जी की जयंती और जन जागरण अभियान शुभारंभ के अवसर पर प्रातः 8 बजे स्टैचू सर्किल से चोबू हाउस सर्किल होते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों एवं बेरोजगारी को लेकर बैनर, पंपलेट व होल्डिंग्स का प्रयोग कर आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित मंत्रीगण, विधायक सहित सभी प्रमुख कांग्रेस जन शामिल होंगे। अति आवश्यक सूचना के साथ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया और मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को संबोधित किया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी व माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी सहित सभी मंत्रीगण, विधायक सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी जन शामिल हुए। जयपुर शहर के समस्त कांग्रेस जनों को इस पैदल यात्रा में शामिल होना अति आवश्यक था। डॉक्टर महेश जोशी विधायक एवं मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार, निवेदनकर्ता रोहित जोशी सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सादर प्रकाश नाथ भी उपस्थित रहे। गवर्नमेंट की गलत नीतियों का परिणाम है, उदाहरण कई है, परंतु ये जो पेट्रोल डीजल और गैस इसमें जो दाम बढ़े हैं लगातार, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है। प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए एक दिन 5 रुपये 10 रुपये कम हो गए, जबकि मोदी जी गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर इन्होंने पहले 15-20 रुपये करीब बढ़ाए थे। जनता भूल जाती इन बातों को, उनको हम लोगों को एहसास नहीं है कि पहले इन्होंने बढ़ाए थे 2020 के अंदर और अभी इन्होंने 5-10 रुपये कम कर दिए। हम इनसे मांग करते हैं जितना कम आप करोगे उसके अनुपात में राज्य सरकारों को अपना भी कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स लगता है। भारत सरकार के जो जितना ही वो पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं उस पर टैक्स लगता है, अभी इन्होंने बढ़ाया है 5-10 रुपये। राजस्थान सरकार को भी 1,800 करोड़ रुपये सत्य कम हो गए। अब हम जो मांग कर रहे हैं इनसे, उसे और 3,500 करोड़ कम होंगे हमारे, वो भी मंजूर है। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है कुछ 5-10 रुपये चुम्बले कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली है। अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा, उससे महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि चुनाव खत्म हुए नहीं अभी 5 राज्यों के, अपने बढ़ने लग जाएंगे दाम सबके। हमारी मांग है कि आप तो देश से वादा करो हम भविष्य में इस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होना प्रॉब्लम। महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जीना दुभर हो गया है, महिलाएं बहुत दुखी हैं, रसोई चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट को आगे आकर के महंगाई कम करने के लिए तमाम वो कदम उठाना चाहिए जिससे वास्तव में महंगाई कम हो जाए। और ये AICC जो प्रोग्राम दिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम जो दिया पूरे मुल्क के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये गांव और ढाणी तक और बूथ लेवल तक प्रोग्राम दिया गया है, इससे अवश्य दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, ऐसा मेरा।